देपालपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के 12 दिन बाद लोग इसका पालन करने में जुटे हुए हैं। हालांकि देपालपुर तहसील में अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसमें देपालपुर के आशिक अली 74 वर्षीय, चांदेर के धर्मेंद्र पिता मैसर सिंह 28 वर्षीय, राम बड़ोदिया के नावेद खान 40 वर्षीय की संदिग्ध मौत हो चुकी है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर चंद्रकला पंचोली के अनुसार देपालपुर नगर के 50 लोग संदिग्ध होने पर भिन्न भिन्न स्थानों पर आइसोलेशन रखा गया है, जिसमें से वर्तमान में देपालपुर निवासी 4 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देपालपुर के वार्ड नंबर 2, 7, 9 और 14 में लगभग 20 घरों के बाहर लाल रंग के स्टिकर लगे हुए हैं। इन घर वालों को किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। देपालपुर तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह का कहना है कि शासन के आदेश पर लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। लॉकडाउन के तहत संपूर्ण व्यवस्था करवाई है। जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से भोजन पैकेट बंटवाए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा बिना वजह घरों से बाहर निकलकर घूमने वालों को समझाइश दी जा रही है। सतत स्थानीय प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। प्रशासन की ओर से जो लॉकडाउन के जो आदेश जो जारी किए गए हैं, उसको देपालपुर तहसील क्षेत्र में उसका पूर्णतः पालन कराया जा रहा है। और इस संबंध में हमने किराना व्यापारियों, दूध फल सब्जी दवा के व्यापारी हैं, उन सभी से हमने चर्चा करके आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। होम डिलीवरी सिस्टम भी बनाया है। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से जो अत्यंत निर्धन है, हैंड टू माउथ हैं, उनको भी खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अलावा लोग अनावश्यक रूप से सड़कों में ना निकले, घर से बाहर ना निकले, इस पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से ये व्यवस्था भी भली भांति बनाई गई है। इसके अतिरिक्त हम जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन भ्रमण करते हैं और जहां भी किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता होती है, कार्रवाई करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।